इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक्टर एजाज खान, जिन्होंने बिग बॉस के घर के बाद फिल्म यारब के जरिए बॉलीवुड में एंट्री की है। बिग बॉस के घर के बाद डायरेक्ट बॉलीवुड में फिल्म यारब। यारब एक ऐसी फिल्म है जो जिहाद अगेंस्ट टेररिज्म है, और बिग बॉस के घर के बाद जो मुझे प्यार मिला है, जो लोग मुझसे प्यार करते हैं और जिन लोगों ने मेरे लिए वोट्स किए हैं, जिन लोगों ने दुआएं की है, मेरे हिसाब से उन लोगों को ये मैसेज मिलेगा कि मैं ये चाहता हूं कि मैंने जो उनसे लिया है मैं उनको कुछ वापस दूं। और इस फिल्म के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि जिहाद का असली मतलब होता है अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना, लड़कियों की रिस्पेक्ट करना, टूटे हुए दिलों को जोड़ देना। जिहाद का असली मतलब है अपने अंदर के शैतान से, जो एक बैड डेविल होता है, उससे जिहाद करना, ना कि लोगों को मार देना और फिर मार के बोलना जन्नत दो अल्लाह ताला, नहीं मिलने वाली। टूटे दिल का आपने जिक्र किया, मैं आपको बताना पूछूंगी आपसे कि आपके दिल जो भी टूटा हुआ था बिग बॉस के घर के अंदर, वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? वो आपको देख के जुड़ गया कसम से। मुझे छोड़ के वैसे बताइए, अभी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? वैसे जुड़ गया है, मेरा दिल है, दिल कोई मतलब खिलौना तो है नहीं जो टूट गया और उसको फेविकोल लगा के जोड़ दिया। दिल में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन वो इतना बड़ा है, बहुत सारी लड़कियों के लिए जगह है। गौहर का कमरा एक अलग बना के रख दिया है मैंने, वो कभी कभी आती है, चाबी से खोलती है, मिलती है और चली जाती है। वो बहुत सारी लड़कियाँ अभी तो बची है यार, अभी तो हाय हाय इतने कमरे है दिल के खाली के क्या करूँ। अच्छा, गौहर आती है सीक्रेट रूम में, कभी बात हुई है उनसे उसके बाद? हाँ, बात होती है। गौहर बहुत ही अच्छी तरह से मुझसे बात करती है हमेशा, और उसको पता है कि हमारा जो रिलेशन है वो बियॉन्ड द कमेंट्स ऑफ पीपल एंड बियॉन्ड द कॉन्ट्रोवर्सी एंड बियॉन्ड एवरीथिंग, वी रिस्पेक्ट ईच अदर एंड वी लव ईच अदर। इट्स नॉट दैट लव कि तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार है, बट वी लव ईच अदर एज अ ह्यूमन, यू नो। तो ये जाज जो मुझे इतना बहुत समझदार दिख रहा है गौहर के लेकर, अपने दिल को लेकर, ये मुझे बिग बॉस के अंदर क्यों नहीं, लोगों को ऐसा लगा कि ओफ दिल टूट गया एजाज का, अब क्या करेगा एजाज, इतना परेशान हो गया एजाज? यार देखो, दिल तो टूटा था कि कहीं ना कहीं गौहर और मैं इतने अच्छे से जा रहे थे, बीच में भुचाल सिंह आ गया और आने के बाद फिर गौहर उसके साथ ज़्यादा बातचीत, तो एक वो दोस्त को मिस कर रहा था मैं, और एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ हमेशा रहती थी वो मिस हो गई, तो थोड़ा सा तकलीफ तो होती है, दिल टूटने की आवाज़ नहीं आती है चुन्नी बाबू। तो चुन्नी बाबू, अभी कुशाल और गौहर दोनों एक साथ एक रियलिटी शो में आ रहे हैं। हाँ, वो रियलिटी शो वाले मुझे बहुत फ़ोन कर रहे हैं, बुरा मत मानना, कि प्लीज़ आके इस शो को बचा लो वापस से। तो क्या एजाज रियलिटी शो में वापस जाएंगे? हाँ, अगर उन लोग मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देंगे तो मैं जा सकता हूँ। गौहर के लिए नहीं, पैसों के लिए? सिर्फ पैसे इसलिए कि अब मैंने बहुत बिना पैसे काम किया यार लाइफ में, अब मैं पैसा कमाना चाहता हूँ मेरे बेटे के लिए, मेरी माँ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और पैसा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है ज़िंदगी में, तो मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। और हाँ, गौहर वहाँ पे है तो वो तो मुझसे मिलेगी, गौहर मुझे देखते हैं उसके दिल से घंटी बजने लगती है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। बहुत खूब, मुझे ऐसा लग रहा है आपको सिंगिंग रियलिटी शो में जाना चाहिए। हाय हाय, अब सिंगिंग रियलिटी शो कहाँ करा रहा है, अभी तो एक्टिंग करनी है, बहुत सारी हीरोइनें बची हुई है, करीना कपूर खान के साथ फिल्म करनी है, सोनाक्षी सिन्हा के साथ फिल्म करनी है, कतरीना के साथ फिल्म करनी है, विद्या बालन के साथ फिल्म करनी है, ये सब हीरोइनें मेरा इंतजार कर रही है, इनके साथ फिल्में करनी है अभी मुझे। फिल्म पाइपलाइन में बताइए ज़रा, आपने कहा कि इतनी सारी हीरोइन आपका इंतजार कर रही, इतनी सारी फिल्में आपका इंतजार कर रही है, क्या है ना, अभी मैं सिर्फ यारब यारब कर रहा हूँ, क्योंकि रब जहाँ होता है वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता, तो साथ के बाद आपको ज़रूर बताऊँगा कि मेरे पास क्या क्या है। बिग बॉस से निकलने के बाद कितना फ़ायदा हुआ? बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ कि मैं बता नहीं सकता। फैंस इतने रस्ते पे जहाँ चलने लगता हूँ पीछे लग जाते हैं, माओ की दुआएं, लड़कियाँ पागल हो गई है, और क्या चाहिए, खान साहब को भूल जाओ, मैं हूँ ना, मैं कितनी अच्छी दिखती हूँ। बहुत 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 फ़ायदा हुआ है, लोग इतना पागल हो गए मेरे लिए कि मुझे प्यार करते हैं, अल्लाह का एहसान है और मेरी माँ की दुआ है कि लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरी फिल्में देखना चाहते हैं, मुझे देखना चाहते हैं। तो मुझे पता है यारब को 7 फरवरी को ओपनिंग लगने वाला है। 7 फरवरी हम दुआ करेंगे आपकी फिल्म जरूर हिट हो। लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। हम मुसलमानों को इस खत मुद्दे पे भड़काना बंद कर दीजिए। डॉक्टर मजहर अली क्या यह है तेरा जिहाद? जिस राह पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी हो, और चाहे जो भी हो, अल्लाह की राह तो नहीं हो सकती। तो ये थे
ये नहीं थे, ये थे एजाज खान जिन्होंने अपनी फिल्म के बारे में हमसे खास मुलाकात की और आप सभी का, हम सभी का फुल इंटरटेनमेंट किया। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ रुचि राय, लाइव इंडिया, दिल्ली।